Welcome to Mech Zone. Today we will start with a new topic, that is power plant, which is one of the most important topics in the whole mechanical engineering. It is related to a thermal and it will cover a large portion of thermal, and I will assure after covering this topic you will able to get 8 to 10 marks in GATE exam easily and 20 to 40 marks in ESE exams, and similarly 15 to 30 marks in SSC JE. So we will start from the basic. We will cover each type of questions, whatever will come in the examination. Just follow the lectures, and this is the first lecture of the power plant. I will try to make a series as small as possible by giving maximum amount of data. Okay, let's start. Power plant. What is the basic requirement in power plant? Its answer is generally steam. Now how steam is developed, steam बनेगी कैसे? So the answer is steam is developed by boiler. What is boiler? Boiler is a device in which steam is produced from water by combustion of fuel. Suppose मान लो आपके पास आपको steam बनानी है, आपके पास पानी तो है, पानी steam जो है पानी से बनेगी, लेकिन उस पानी को भाप में आप बदलेंगे कैसे? तो आप बाई कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है। फ्यूल आप जानते हैं क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, अब तो न्यूक्लियर फ्यूल भी यूज़ हो रहा है, कोल जनरली, अभी तो हम लोग का कन्वेंशनली कोल यूज़ करते हैं। अब बॉयलर जो हैं वो उनके भी फर्दर टाइप्स हैं, तो हम आइए जान लेते हैं। लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ बॉयलर। बॉयलर्स आर ऑफ मेनली डिवाइड ऑन देयर ओरिएंटेशन। द फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस बॉयलर्स, vertical axis boilers. The boilers are in horizontal position, and in vertical axis the boilers are in vertical position. Okay, horizontal boiler easily inspected but occupy more space. अब देखिए, अगर कोई चीज़ horizontally है तो उसमें आदमी आराम से अंदर घुस जाएगा, तो inspected तो आराम से कोई भी चीज़, मतलब ये round है मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें आदमी अंदर जाके इंस्पेक्ट तो कर सकता है, लेकिन वो स्पेस ज़्यादा रिक्वायर करेगी। देखिए इतना स्पेस रिक्वायर किया। वर्टिकल में क्या है, सिर्फ इतना स्पेस रिक्वायर किया, तो ऑक्यूपाइड लेस फ्लोर एरिया। देखिए फ्लोर एरिया ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, और वर्टिकल में फ्लोर एरिया कम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। थर्ड टाइप है फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर जनरली आप तीन नाम याद रखिएगा, कॉकरॉन, लैंकाशायर, लोकोमोटिव, ये होते हैं फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। फायर ट्यूब बॉयलर में होता क्या है, हॉट गैसेस इनसाइड द ट्यूब एंड वाटर सराउंड द ट्यूब। कुल मिला के देखिए हमें स्टीम बनाना है। स्टीम कैसे बनेगी? जब वाटर को हीट करेंगे, तो करना क्या है, हम हॉट गैस का यूज़ करेंगे। हॉट गैस इनसाइड द ट्यूब एंड वाटर सराउंड द ट्यूब। देखिए फायर ट्यूब बॉयलर है ना, तो याद रखिए कौन अंदर होगा कौन बाहर, कन्फ्यूज़न होता है। तो फायर ट्यूब है, जिसके आगे जो नाम है वही ट्यूब के अंदर होगी, तो फायर ट्यूब है, मतलब हॉट गैसें अंदर और वाटर बाहर। सिमिलरली वाटर ट्यूब बॉयलर, वाटर इज इनसाइड ट्यूब एंड हॉट गैस सराउंड देम। अब देखिए वाटर ट्यूब बॉयलर मतलब ट्यूब के अंदर क्या होगा, वाटर, और गैसें होंगी बाहर। इनके दो एग्जाम्पल हैं, बैबकॉक विलकॉक्स और स्टिर्लिंग यारो। तो फायर ट्यूब के ये मतलब याद करते हुए चलिएगा, फायर ट्यूब के कॉकरॉन, लैंकाशायर, लोकोमोटिव, और वाटर ट्यूब के बैबकॉक एंड विलकॉक्स और स्टिर्लिंग एंड यारो, ठीक है। ट्रिक है, जिस नाम से बॉयलर वो चीज़ ट्यूब के इनसाइड होगी, मतलब फायर ट्यूब बॉयलर में इनसाइड क्या होगी, हॉट गैसेस, वाटर ट्यूब बॉयलर में इनसाइड होगा वाटर। अब एक और तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं, ये हमारा एक्सटर्नली फायर। फायर इज आउटसाइड द सेल, सेम एग्जांपल ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। देखिए मतलब क्या है, फायर मतलब जो हीट कर रहे हैं वो सराउंडिंग पे कर रहे हैं। और एक नेक्स्ट हमारा है, एक सेकेंड ओरिएंटेशन सही कर लें, हाँ। नेक्स्ट हमारा है इंटरनली फायर, इसमें फर्नेस इज लोकेटेड, बॉयलर के अंदर ही फर्नेस रहता है, एक्सटर्नली में बाहर रहेगा, इसमें अंदर, ठीक है। एक और टाइप से मैं सारा क्लासिफाई कर दे रहा हूँ, बुक में बहुत ही कन्फ्यूजन से क्लासिफाई किया जाता है, मैंने एकदम स्टेप वाइज क्लासिफाई कर दे रहा हूँ। 7 नंबर पे फोर्स सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज डन बाय पंप, ठीक है। फोर्स का मतलब ये है हम सब एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। इनके टाइप जरूर याद रखिएगा, विलॉक्स, लेमन, बेंसन, नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। नेचुरल सर्कुलेशन, इसमें मतलब फ्री कन्वेक्शन, जो HMT में आप लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, जो कि होते हैं लैंकाशायर, बैबकॉक, विलकॉक्स। अब देखिए लैंकाशायर हमारा ये फायर ट्यूब बॉयलर है, और बैबकॉक विलकॉक्स वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो मतलब पूछ ले ऐसा कौन सा बॉयलर है जो फायर ट्यूब भी है और नेचुरल सर्कुलेशन भी। तो लैंकशायर, और पूछ ले ऐसा कौन सा है जो वाटर ट्यूब भी है और नेचुरल सर्कुलेशन है, तो बैबकॉक विलकॉक्स। अब देखिए प्रेशर के रिलेटेड दो बॉयलर दो प्रकार में और क्लासिफाई करते हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर। हाई प्रेशर में बैबकॉक विलकॉक्स, वेलॉक्स, लेमन बेंसन। लो प्रेशर में कॉकरॉन लैंकशायर लोकोमोटिव, कॉकरॉन लैंकशायर लोकोमोटिव। ओके, हाई प्रेशर बॉयलर्स में बॉयलर्स विच प्रोड्यूसेस स्टीम एट 80 डिग्री और अबव, मतलब 80 बार सॉरी। इसमें क्या होता है, स्टीम 80 बार के अबव होती है और इसमें बिलो 80 बार। तो मतलब जो भी स्टीम का प्रेशर 80 बार के अबव होगा वो क्लासिफाइड होगी अंडर हाई प्रेशर बॉयलर में, और जिसका 80 बार से कम वो लो प्रेशर में। एक होता है सुपर क्रिटिकल बॉयलर, बॉयलर विच ऑपरेट अबव क्रिटिकल पॉइंट, प्रेशर रहता है 221.2 बार, टेम्परेचर 373 बॉयलर। सुपर क्रिटिकल बॉयलर यूज विदाउट ड्रम और सब क्रिटिकल बॉयलर यूज विद और विदाउट ड्रम। ठीक है, ये दो चीज याद रखिएगा। एक सेकेंड वेट, अब देखिए अभी हम बॉयलर के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर एसेसरीज। अब ऐसा तो नहीं है बॉयलर से बॉयलर है, उसमें तो काफ़ी चीज़ों से बन के बॉयलर बना है। तो बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर एसेसरीज में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो जानिए क्या होता है, समझ लेते हैं। बॉयलर माउंटिंग, आइटम यूज फॉर सेफ्टी ऑफ बॉयलर इज कॉल्ड बॉयलर माउंटिंग। अब देखिए बॉयलर में क्या हो रहा है, स्टीम बना रहा है, इतने प्रेशर बना रहा है, तो हमें सेफ्टी की भी ज़रूरत है ना, ऐसा ना हो कि ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, सो आइटम यूज फॉर सेफ्टी ऑफ बॉयलर इज कॉल्ड बॉयलर माउंटिंग। बॉयलर माउंटिंग होती क्या है, मैंने साथ में एक साथ लिख दिया है, आपको कहीं भी जाके देखने की जरूरत नहीं है। इसमें बॉयलर माउंटिंग क्या होती है, स्टॉप वॉल देखिए सेफ्टी के लिए, सेफ्टी वॉल, फ्यूजिबल प्लग, ब्लो ऑफ जग, प्रेशर गेज, वाटर लेवल इंडिकेटर, मीन होल, प्लीज नोट इट डाउन। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक अगर आपको नहीं याद हो रहा तो एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया है, एसएसपी की वाइफ मीरा ऑन एफबी, एस स्टॉप, एस सेफ्टी, पी फ्यूजिबल प्लग, ब्लो ऑफ कॉक, प्रेशर गेज, डब्ल्यू से वाइफ, एम से मीरा, एफ से आपका फ्यूजिबल प्लग, बी से ब्लो ऑफ चक। ठीक है, स्टॉप वॉल का काम करता है रेगुलेट द फ्लो ऑफ स्टीम, कितनी स्टीम बाहर जाना है, कितनी स्टीम अंदर जाना है, ये स्टॉप वॉल का। सेफ्टी वॉल का क्या काम होता है, रिलीज एक्सेस स्टीम इफ स्टीम प्रेशर इनसाइड बॉयलर एक्सीड रेटेड प्रेशर। ठीक है, अगर क्या है जो स्टीम प्रेशर अंदर का बॉयलर है, एक पर्टिकुलर प्रेशर हम सेट कर देते हैं, इस प्रेशर पे हमारी स्टीम जानी है, अगर उस प्रेशर से एक्सीड कर रही है तो हम सेफ्टी वॉल का यूज करेंगे। ब्लो ऑफ कॉक, एम्प्टी द बॉयलर व्हेन रिक्वायर्ड फॉर क्लीनर, ब्लो ऑफ कॉक से मतलब स्टीम बाहर निकल आती है। प्रेशर गेज, मेजर प्रेशर एक्सर्टेड इनसाइड द प्रेशर बाय स्टीम। वाटर लेवल इंडिकेटर, इंडिकेट लेवल ऑफ वाटर इन बॉयलर। ठीक है, फंक्शन ऑफ फ्यूजिबल प्लग, इसमें मटेरियल कौन सा यूज होता है, गन मेटल, याद रखना एकदम कंसाइज वे में है। द फंक्शन ऑफ फ्यूजिबल प्लग इज टू प्रोटेक्ट द बॉयलर अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू ओवर हीटिंग ऑफ लो वाटर लेवल। अब क्या होगा, वाटर लेवल अगर कम होगा तो बॉयलर हीट करने लगेगा, तो उस हीट को हम रोकने के लिए हम फ्यूजिबल प्लग का यूज़ करते हैं। इसका मटेरियल बस याद रखना गन मेटल होता है, गन मेटल का क्लासिफिकेशन मटेरियल साइंस में बताएंगे। बॉयलर एसेसरीज, अब बॉयलर एसेसरीज का क्या होता है, ऐसे आइटम जिससे बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ती है। बॉयलर माउंटिंग बॉयलर एसेसरीज में सिर्फ दो मेजर फर्क होता है। बॉयलर माउंटिंग मतलब होता है सेफ्टी ऑफ बॉयलर्स, और बॉयलर एसेसरीज आर यूज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। इसमें यूज क्या क्या होता है, इट इंक्लूड सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, फीड पंप, एयर प्री हीटर, इंजेक्टर। ठीक है, तो समझ गए आप लोग क्या क्या मतलब होता है बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर एसेसरीज। तो ये, और इसका भी एक ट्रिक बनाया है सफाई, मुलायम सिंह वाला सफाई, सुपर हीटर, एस से सुपर हीटर, ई से इकोनोमाइजर, ए से एयर प्री हीटर, आई से इंजेक्टर, और एफ से फीड पंप। ठीक है, इसे याद करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इकोनोमाइजर, इवेपरेटर, सुपर हीटर की बात हुई है, तो आइए जान लेते हैं ये होता क्या है। हीट ट्रांसफर्स टू वाटर, हीट ट्रांसफर टू वाटर इन स्टीम, हीट ट्रांसफर्स टू वाटर इन स्टीम जनरेट अकर्स इन थ्री रीजन। मतलब अब जो वाटर स्टीम में बदल रहा है वो तीन स्टेप में बदलता है। पहला, वाटर इज फर्स्ट हीटेड सेंसिबली इन इकोनोमाइजर एट सर्टेन प्रेशर टिल इट बिकम सेचुरेटेड लिक्विड। अब ऐसा तो नहीं है पानी सब्लिमेशन होगा डायरेक्ट, मतलब वेपर में, मतलब सॉलिड वेपर में बदल जाएगा, सब्लिमेशन जैसा तो कुछ है नहीं, स्टेप वाइज होगा ना। मतलब वाटर इज जस्ट फर्स्ट हीटेड सेंसिबली इन इकोनोमाइजर एट सर्टेन प्रेशर टिल इट बिकम सेचुरेटेड लिक्विड। इन इवेपोरेटर, इकोनोमाइजर का काम होता है सेचुरेटेड लिक्विड तक ले जाना। ठीक है, इन इवेपोरेटर और बॉयलर, इस इवेपरेटर को ही हम बॉयलर करते हैं, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इवेपरेटर को ही बॉयलर करते हैं। देयर इज अ फेस चेंज एंड कन्वर्ट इट इनटू सैचुरेटेड वेपर, इसमें फेस चेंज होता है। द सैचुरेटेड वेपर इज फर्दर हीटेड एंड सुपर हीटेड। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, क्या चीजें हैं? तीन चीजें हैं, क्या चीजें हैं? तीन चीजें हैं। पहला है इकोनोमाइजर, इवेपरेटर, सुपर हीटर। टीएस डायग्राम है, एसेंट्रोपी, टी से टेम्परेचर। ये हमारा डोम बन गया। इधर क्या है? ये लिक्विड रीजन होता है, ये हमारा मिक्स रीजन होता है, लिक्विड प्लस वेपर, ये वेपर मतलब वेपर रीजन, ठीक है। तो इकोनोमाइजर क्या करेगा? हमारा वाटर को सैचुरेटेड लिक्विड में बदलेगा। इवेपरेटर क्या करेगा? हमारा इवेपरेटर क्या करेगा? इवेपरेटर हमारा इसको सैचुरेटेड वेपर तक ले जाएगा, और सुपर हीटेड क्या आएगा? सैचुरेटेड वेपर को फर्दर स्टीम में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इकोनोमाइजर, डिवाइस इन विच द वेस्ट हीट ऑफ फ्यू गैस इज यूटिलाइज फॉर फीडिंग हीट वाटर। पानी को हम यहाँ वाटर है, इसको गर्म करेंगे, सैचुरेटेड लिक्विड। एक पॉइंट मतलब समझ लीजिए 0 डिग्री पे है, मान लीजिए पानी 10 डिग्री पे है, जैसे 10 डिग्री पे इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे? 100 डिग्री लिक्विड पे ले जाएंगे। इवेपरेटर क्या करेगा? 100 डिग्री लिक्विड को 100 डिग्री स्टीम में, मतलब फेस चेंज होगा। फेस चेंज किस में होता है? फेस चेंज होता है सिर्फ इवेपोरेटर में। क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इन हाई प्रेशर बॉयलर मोर देन 40% ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड इन सुपर हीटर, सबको पता है। फॉर स्टीम जनरेटर ऑपरेटिंग अबव क्रिटिकल प्रेशर देयर इज नो इवेपोरेटर और बॉइलिंग सेक्शन, ऑल लिक्विड ऑन हीटिंग कन्वर्टर। स्टीम जनरेटर जो है या जो अबव क्रिटिकल प्रेशर के काम करते हैं, वो डायरेक्ट वेपर में बदल जाते हैं, ठीक है।